फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोधीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने एक नए सुविचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं मालपुए बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, होली का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है और हम सभी अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। तो इस होली के अवसर पर आप मालपुए ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मालपुए बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, इसे हम अच्छी तरह से छानकर इस्तेमाल करेंगे। ये एक कटोरी चीनी है, ये कुटी हुई आधी चम्मच इलायची पाउडर है। फ्रेंड्स, ये आधा लीटर दूध है, इसे मैंने अच्छी तरह से पकाकर जब ये एक पाव के करीब हो गया है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे मालपुए बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो जब भी हम दूध का इस्तेमाल करें तो इसे अच्छी तरह से पकाकर गाढ़ा कर लें। मालपुए को गार्निश करने के लिए मैंने कुछ कटे हुए छोटे टुकड़ों में बादाम लिए हैं और कुछ कटे हुए पिस्ते लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं मालपुए बनाना। अब हम एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें हम मैदा डाल देते हैं। तो इस तरह से हम सारा मैदा डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें फेंटना है। तो बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि मैदे में एक भी गुठली ना रहे। अब इसमें हम थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं मालपुए, तो आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यदि हमारा बैटर गाढ़ा रहा तो हम इसमें थोड़ा सा दूध अलग से और ऐड करेंगे। तो अभी हम ये जो सारा दूध है इसे अभी इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें बैटर रेडी करना है। तो हमें अभी इसे थोड़ा सा और पतला करना है, ना हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो अभी हमारा ये बैटर थोड़ी मोटा है तो इसमें हम अलग से थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो बस इस तरह से हम इसे एक बार और मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना पतला बैटर हमें इसका रखना है। तो देखिए, इस तरह से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। अब 10 मिनट के लिए हम इसमें प्लेट ढककर रख देते हैं ताकि हमारा मैदा अच्छी तरह से फूल। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा बैटर रेस्ट ले रहा है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम शक्कर को डाल देते हैं और मेज़रमेंट करके मैंने एक कटोरी शक्कर ली है तो इसी में हम एक कटोरी करके पानी डालेंगे। तो आप एक बर्तन को ज़रूर इस्तेमाल करें और उसी में आप मेज़रमेंट करके एक कटोरी पानी डालें। अब गैस को हम ऑन कर देते हैं। तो अब इस तरह से हमें चलाते हुए और इसको पकाना है। तो हम इसकी चाशनी तैयार नहीं करना है, बस इसमें हमें हल्का चिपचिपापन आना चाहिए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो बस इस तरह से हम चलाते हुए 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे तैयार करेंगे। अब साथ में इसमें हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छे इसका टेस्ट आता है। बस इसे हम 5 मिनट के लिए थोड़ी सा और पकने देते हैं। तो हमें इसकी चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है, हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो थोड़ी सी हमें और पकाना है अभी। तो फ्रेंड्स, चाशनी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, चलिए हम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। तो हमें इसे एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, तो इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है ताकि इसमें अच्छी तरह से चिपचिपापन आ जाए। तो चलिए थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें हमें हल्का चिपचिपापन चाहिए, जैसे शहद में होता है ना, बस उसी तरह से। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो बैटर भी हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है, तो चलिए हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर अच्छी तरह से फूल चुका है। तो चलिए अब हम मालपुए को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इस पर कुकिंग ऑयल डाल दिया है।
तो हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मालपुए बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें मालपुए बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम बैटर डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हम पहले चेक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तल कर ऊपर आ गया हमारा जो बैटर डाले हमने। तो चलिए अब हम मालपुए बना लेते हैं। तो चलिए इसमें हम मालपुए बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ हम इस तरह से सारा बैटर डाल देंगे और इसे इसी तरह से पकने देंगे। तो ये अपने आप ही फूल कर ऊपर आ जाएगा। तो बस इसी तरह से हम इसे फ्राई होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से सिक जाएगा तो ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप इस तरह से फूल कर ऊपर आ चुके हैं। अब इसे हम धीरे से पलटा देंगे। तो बहुत ही आराम से हम इसे इस तरह से धीरे से पलटा देंगे और पीछे साइड भी हल्का ब्राउन होने तक हम इसे पकने देंगे। तो मालपुआ हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे हम अब निकाल लेते हैं और इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसे हम अच्छी तरह से निकाल देंगे, इस तरह से दबा कर, और इसका एक्स्ट्रा तेल हम इसे निकाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम एक प्लेट पर रख देते हैं। अब दूसरा मालपुआ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब दूसरे मालपुए को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो बस इस तरह से एक बार में ही हम सारा बेटर डाल देते हैं और इसे हम कलछे से फैलाएंगे नहीं, ये अपने आप ही बड़ा हो जाता है। और बस इसी तरह से हम इसे मध्यम आंच पर फ्राई होने देते हैं। ये तल कर अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब इसे भी हम पलट देते हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से भी इसे हम मध्यम आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मालपुआ हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। चलिए इसे भी हम अब निकाल लेते हैं। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे इस तरह से दबाकर निकाल लेंगे। अब इस तरह से हम सारे मालपुए बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे मालपुए बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। चलिए इसे अब हम चाशनी में डालकर और निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके चाशनी में इसे डालकर और इस तरह से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे और इसे हम एक प्लेट पर इस तरह से निकाल देंगे। दूसरा वाला भी हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से, और इसे भी हम अच्छी तरह से इस तरह से सिरे में एक कवर कर लेंगे और इस तरह से हम इसे निकाल देते हैं। तो चलिए सारे मालपुए को इसी तरह से हम कर लेते हैं कवर। तो इस तरह से हम ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देते हैं। तो थोड़े से इसमें हम पिस्ते डाल देते हैं और थोड़ी सी कटी हुई इसमें हम बादाम भी डाल देंगे। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, होली में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये मालपुए की रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप अपने हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।